हेलो फ्रेंड्स, बायोलॉजी सॉल्यूशन में आज हम लोग बात करने वाले हैं लाइफ साइकिल ऑफ साइकोन के बारे में। तो लाइफ साइकिल ऑफ साइकोन के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि साइकोन जो होता है पोरीफेरा फाइलम को फॉलो करता है। तो लाइफ साइकिल को देखने से पहले हम लोगों को पोरीफेरा का इंट्रोडक्शन और कुछ साइकोन के जनरल फीचर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन ले लेते हैं पोरीफेरा का। तो फ्रेंड्स, जितने भी स्पंजेस होते हैं वो पोरीफेरा फाइलम को बिलोंग करते हैं। पोरीफेरा वर्ड जो होता है वो एक लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब है पोर बियरर, यानी कि अपने शरीर पर पोर्स रखने वाला, जिसके थ्रू वो अपनी सारी इंपॉर्टेंट प्रोसेस जैसे रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन इत्यादि प्रोसेस को कम्प्लीट करता है। इनकी जो बॉडी होती है वो सिलेंड्रिकल शेप में होती है और किसी सॉलिड सबस्ट्रेटम पे ये अटैच होते हैं और अपने शरीर पे बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनके थ्रू ये वाटर को लेते हैं और वाटर को एग्जिट करने के लिए इनके पास एक आउटर ओपनिंग होती है जिसे ऑस्क्यूलम कहा जाता है। आप लोगों को फिगर में दिख रहा होगा। तो आइए जनरल फीचर्स के बारे में साइकोन के बात करते हैं। साइकोन जो होता है एक मेराइन एनिमल्स होते हैं और जो डिप्लोब्लास्टिक नेचर को फॉलो करते हैं। डिप्लोब्लास्टिक नेचर से कहने का मतलब है इनकी जो बॉडी होती है वो दो लेयर से सराउंडेड होती है, एक होती है एक्टोडर्म और दूसरी होती है एंडोडर्म। मेसोडर्म इनमें एब्सेंट होती है। साइकोन के पास साइकोनोड टाइप का केनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है जो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इनमें दोनों तरह के रिप्रोडक्शन असेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों पाए जाते हैं और साइकोन की लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। पूरी बॉडी पर साइकोन के छोटे छोटे से पोर्स पाए जाते हैं जिन्हें हम ओस्टिया कहते हैं। ये ओस्टिया के थ्रू वाटर अंदर आता है और ऑस्क्यूलम के थ्रू, जो आउटर ओपनिंग आप लोगों को दिख रही होगी, इसके थ्रू वाटर बाहर जाता है। रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन के लिए स्पंजेस डिफ्यूजन प्रोसेस की मदद लेते हैं। स्पंजेस के पास में कोई भी नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता है। सिर्फ कुछ न्यूरोसेंसरी सेल्स होती हैं जो इनकी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। साइकोन जो होते हैं हर्मिफ्रोडाइट नेचर को फॉलो करते हैं, मतलब फीमेल पार्ट और मेल पार्ट एक ही बॉडी में इनके पाया जाता है। रेडियल सिमेट्री होती है इनमें, यानी कि अगर सेंट्रल एक्सिस से इनको उसकी बॉडी को काटा जाता है तो दोनों जो बॉडी के दोनों हिस्से होते हैं वो बराबर होते हैं। स्पंजेस की बॉडी पर स्पाइक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो फूड डाइजेशन में मदद करते हैं। आइए हम बात करते हैं अब लाइफ साइकिल के बारे में। तो जैसा कि मैंने बताया कि स्पंजेस जो हर्मफ्रोडाइट नेचर को फॉलो करते हैं, इसी कारण ये रिप्रोडक्शन के टाइम पर आइदर मेल और फीमेल फंक्शन करते हैं। ये स्पंजेस एक और स्पर्म दोनों प्रोड्यूस करते हैं, डिपेंड करता है टाइमिंग पे। एक एडल्ट स्पंज के पास रिप्रोड्यूस करने के दो तरीके होते हैं, या तो सेक्सुअली या असेक्सुअली। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बडिंग प्रोसेस के थ्रू रिप्रोड्यूस होते हैं। बडिंग फ्रेंड्स आप लोग जानते होंगे जिसमें पर्टिकुलर प्लांट पर बर्ड ग्रो करती है और यही बर्ड मैच्योर होकर पेरेंट्स से सेपरेट होकर नया प्लांट जनरेट करती है। फ्रेश वाटर स्पंजेस जो होते हैं वो गैम्यूल्स बना लेते हैं। गैम्यूल्स सेल का एक छोटा बंच जो स्पंजेस को हार्श कंडीशन में जैसे विंटर में बॉडी को कवर करके रखता है और सही कंडीशन यानी कि फेवरेबल कंडीशन आने पर ही जर्मिनेट होने देता है। कभी कभी स्पंजेस असेक्सुअल प्रोसेस को अपने डैमेज पार्ट को रिपेयर करने पर भी काम लेते हैं और ये इनका सबसे आइडियल फीचर होता है। फिगर में आप लोगों को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताया हुआ है स्पंजेस का या साइकोन का। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए स्पंजेस दोनों में से कोई भी रोल एट अ टाइम प्ले कर सकते हैं। तो मेल स्पर्म जो होता है वो वाटर में रिलीज हो जाता है और फीमेल स्पंज में जाकर कंबाइन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है और लार्वा प्रोड्यूस होता है। वो ये जो लार्वा जो प्रोड्यूस होता है वो वाटर में कुछ टाइम तक ट्रैवल करने के बाद किसी सॉलिड सबस्ट्रेटम पर जाकर अटैच हो जाएगा और अपनी ग्रोथ को स्टार्ट कर देगा। ग्रोथ को स्टार्ट करके डेवलप होकर वो एडल्ट स्पंज में चेंज हो जाता है। तो ये स्पंज की या साइकोन की लाइफ साइकिल होती है, यानी कि दोनों लाइफ साइकिल को फॉलो करता है, असेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी। तो ये था आज का मेरा वीडियो। मेरे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे केनाल सिस्टम ऑफ साइकोन की।
तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।